दोस्तों, क्या आप भी अपने ईमेल आईडी को बनाने के बाद अपने पासवर्ड को भूल गए हैं? तो दोस्तों, किस तरीके से हम लोग अपने पासवर्ड को फिर से लगा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में जानेंगे। जी हां दोस्तों, हम लोग फॉरवर्ड पासवर्ड करना जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से इस चीज़ का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपने जीमेल को ओपन कर लेना होगा। जीमेल को ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को आइकन मिल जाता है ऊपर में, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जितने सारे भी यहाँ पर आईडी है जिससे आप लॉगिन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आपको उसी पर क्लिक करना है जिससे आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर फॉरगेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुमार सत्या के नाम से ये जो मेरा ईमेल है, यहाँ पर जो इसका जो पासवर्ड है वो दोस्तों मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ। ईमेल मुझे पता है लेकिन मैं अपने पासवर्ड को भूल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं पासवर्ड को चेंज कर देता लेकिन मेरा पासवर्ड पता ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए हम लोग को फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। उसके लिए हम लोग को मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। जब मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल इन्फो लिखा हुआ मिल जाता है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है। हम लोगों से कहा जाता है कि इंटर योर पासवर्ड, और भाई मुझे यहाँ पर पासवर्ड पता ही नहीं है, तो मैं कुछ भी अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा भाई, टेंशन ना लें, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। तो देखिए, नीचे में आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं। तो भाई हाँ, तो हम लोग को क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा फॉरगेट पासवर्ड पर, ठीक है ना। तो चलो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को इंटर लास्ट पासवर्ड हम लोगों को बोल रहा है, तो मुझे तो भाई कुछ भी नहीं पता कि मैंने लास्ट पासवर्ड कैसा था मेरा, कुछ भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो हम लोगों को क्रिएट ए पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, यू कैन चेंज योर पासवर्ड विदाउट यू हैव साइन इन इन वन डिवाइस, बिफोर सेव दिस पासवर्ड यू कैन ईजिली साइन इन अगेन गोइंग फॉरवर्ड। यानी कि दोस्तों, ये जो ईमेल है अभी तक एक ही फ़ोन में है, ठीक है। अगर ये एक से ज़्यादा फ़ोन में होता तो हो सकता मेरा पासवर्ड जो है इतनी आसानी से क्रिएट करने का मौका ना दिया जाता, ठीक है ना। तो चलो मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड में अपने पासवर्ड को डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव पासवर्ड पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पासवर्ड है इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल करने के बाद, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ नीचे में अपने पासवर्ड को। इस तरीके से मैं अपने क्या करूँगा, पासवर्ड को पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योर माई अकाउंट, यानी कि दोस्तों हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। सिक्योर योर अकाउंट नाउ एंड अपडेट योर रिकवरी ऑप्शन। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट ज़रूर से करना, और देख सकते हैं ऊपर में नोटिफिकेशन भी हम लोगों को आ चुकी है कि जो हमारा पासवर्ड है वो यहाँ से रिकवर हो चुका है, हमने अपने न्यू पासवर्ड को कितने आसान तरीके से लगा लिया। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना।